आज हम रिलेशंस से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो चलिए देखिए क्वेश्चंस। देखिए सेट में अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक पैटर्न होता है, उस लैंग्वेज के बेस पर ही सलूशन किए जाते हैं और उसी लैंग्वेज को हमें सीखना है ताकि हम किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन है, यह एक फाइनाइट सेट दे दिया ए 1 2 3 और एक रिलेशन दे दिया, वो भी रोस्टर फॉर्म में दे दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। प्रूव करना है इफ एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन टू। चलिए सॉल्यूशन में आइए इसके। तो जब इस तरह से लिस्ट करके रोस्टर फॉर्म में दिया होगा तो फिर हमें एक एक एलिमेंट के लिए चेक करना होगा। पहला चेक करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांसफ्यूटी चेक करना होगा। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। देखिए 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट्स इसमें हैं जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। 1 1 बिलोंग इन आर, 2 2 बिलोंग इन आर, 3 3 बिलोंग इन आर। सारे एलिमेंट्स के लिए आर्डर पेयर हो गए, दैट इज ए ए बिलोंग इन आर for all a belonging a, so r is reflexive. अब उसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री में देखिए जो ये सेम ऑर्डर पेयर वाले 1 1 तो 1 1 को रिवर्स करेंगे 1 1 ही, 2 2 को करेंगे 2 2 ही, 3 3 को करेंगे 3 3 ही आएगा जो इसमें है। इन दोनों को चेक कर लें, 1 2 बिलोंग इन आर एंड दिस इंप्लाइज 2 1 इज आल्सो बिलोंग इन आर एंड दैट इज, अगर ए बी बिलोंग इन आर है तो बी ए भी आर में है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन ई, सो आर इज सिमेट्रिक। तीसरी ट्रांसफ्यूटी चेक करें। तो ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए आपको ऐसे पेयर ढूंढने होंगे, ऑर्डर पेयर के ऐसे पेयर ढूंढने होंगे कि पहले का सेकंड एलिमेंट और दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ये है सपोज 1 1 तो यहां 1 2, 1 1 बिलोंग इन आर एंड 1 2 बिलोंग इन आर, ऑल्सो 1 1 1 2 2 1 2। तो पहले में, पहले पेयर में कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 2 में आ जाए, 2 2 बिलोंग इन आर एंड 2 1 बिलोंग इन आर, ऑल्सो 2 1 है बिलोंग इन आर। और पेयर देख लें, 3 3 के साथ ले लें, 3 3 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, 1 2 के साथ 2 2 का बनेगा, 1 2 बिलोंग इन आर, 2 2 बिलोंग इन आर, 1 2। अब
वन वन बिलोंग विद आर, तो हमें चाहिए टू वन ऑलरेडी है, टू वन बिलोंग विद आर, तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हमें एक एक पेयर से चेक करना होगा और अंतिम में लिखेंगे सिंस आर इज आर इज कांस्टेंट। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो आसान काम हुआ, इंडिविजुअल एलिमेंट लेके हमें चेक करना है। अब देखिए अगर रोस्टर फॉर्म में अपने को कोई रिलेशन दिया है, यहाँ दो बातें हो सकती हैं, सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट सेट है, और रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करने में अगर बहुत सारे एलिमेंट ना होते हों तो फिर हम इंडिविजुअल चेक कर लेंगे, अगर ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो फिर हमें जनरल वे पर फॉर्म करना होगा। जैसे इसको देखें, इसमें सेट वन टू थ्री फोर फाइव दिया है और रिलेशन दिया आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है कि नहीं, तो अब हम जनरल वे पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप रिफ्लेक्सिविटी देखें, इवन होने का मतलब है टू से डिविजिबल होना, तो हम यही टू से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। एक एलिमेंट ले लो रिफ्लेक्सिव के लिए, एक एलिमेंट ए का चाहिए, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, उसका इसके चलो वैल्यू भी जीरो होगी और ए माइनस ए जीरो है, तो यहां से मिल गया ए ए बिलोंग ए माइनस ए इज जीरो है, जीरो विच इज इवन नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, सो ए ए बिलोंग इन आर। तो ए बिलोंग इन के लिए ए ए आर में है, फॉर ऑल ए बी ए आर पहले एलिमेंट था तो फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री चेक करते हैं, दो एलिमेंट लेना होगा ए का, लेट ए बी बिलोंग इन ए, एक्चुअली ए बी टू आर पेरी एलिमेंट्स इन ए, ना प्री कंडीशन क्या है उसकी, ए बी बिलोंग इन आर लेके चलना है और आपको बी ए बिलोंग इन आर दिखाना है। ए बी बिलोंग इन आर, ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, और ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी सेम हो इवन होगा। और ये शो करेगा कि बी ए बिलोंग इन आर, यानी आपने क्या दिखाया, दैट इज ए बी बिलोंग इन आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग इन आर, और ए और बी आर डेरी एलिमेंट्स थे तो ये बात सारे ए और बी के लिए सही होगी, ये सारे ए और बी के लिए ट्रू होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन आर, सो आर इज सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, ट्रांसटिविटी, तो हमें इसमें एक एक तीन एलिमेंट लेने होंगे, आर्बिट्री एलिमेंट, लेट ए बी सी बिलोंग इन ए, ना प्री कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन आर,
ये हमको लेके चलना होगा। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अब ए माइनस बी कभी भी होगा, दो नंबर्स का डिफरेंस कभी भी होता है, या तो दोनों नंबर्स इवन हो या तो दोनों ऑड हो। तो ये इंप्लाइज करेगा बोथ आर बोथ ऑफ ए एंड बी इज इवन आर बोथ ऑफ ए एंड बी और ऑड, या तो ए और बी में से दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे। और सिमिलरली ये क्या शो करेगा, बोथ ऑफ बी एंड सी आर इवन और बोथ आर ऑड, क्योंकि डिफरेंस तभी इवन होता है जब दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड। अब यहां हमें कुछ केसेस लेने होंगे तो वो केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ बी इज इवन तो ए और बी में से दोनों में से इवन होना है और बी और सी को भी दोनों को इवन होना होगा। अब ये देखें, वेन ए बी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन आर इम्प्लाइज, पहले तो ये होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अब बी इवन है तो ए और बी दोनों की सेम साइज, दोनों सेम होने हैं तो ए भी इवन होगा, तो ये डिफरेंस इवन हो जाएगा। और इसी तरह से बी माइनस सी, तो यहां देखें ए भी इवन हो जाएगा, डिफरेंस इवन है, बी इवन है तो ए इज इवन एंड बी इवन है और डिफरेंस इवन है, सी भी इवन होगा, सी इज इवन, तो यहां से मिल जाएगा ए माइनस सी इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन और दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग इन आर। तो पहले केस में आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया। केस सेकंड, If B is odd, तो यही लेके चलेंगे, A B belong in R and A C belong in R implies mod of A minus B is even। ये तो रिलेशन की डिफिनेशन है, mod of A minus C is even। अब यहां देखें b ऑड है और a माइनस बी इवन हो रहा है, इसका मतलब हुआ a भी ऑड होगा क्योंकि दो ऑड नंबर का ही डिफरेंस इवन होता है। a इज ऑड और इसी तरह से यहां यहां c भी ऑड होगा, c इज ऑड। अब ए और सी दोनों वार हैं तो उनका डिफरेंस इवन हो जाएगा, ए माइनस सी इज इवन एंड सो मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन, तो ए सी बिलोंग इन आर। सो इन ऑल द केसेस
belonging R and BC belonging R implies AC belonging R for all A, B, C belonging A. So R is constant. अब आगे आप लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इफ ए बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन. ए किसी प्लेन में सारे ट्राइंगल्स का सेट है एंड रिलेशन आर डिफाइन किया टी वन टी टू सच दैट टी वन इज सिमिलर टू टी टू. सिमिलरिटी का रिलेशन यहाँ रिलेशन डिफाइन किया है. देन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये तुम्हें प्रूव करना है. दूसरा, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल टी वन टी टू टी थ्री आर T1, T2, T3 ट्राइंगल्स की साइड T1 की 3, 4, 5 साइड्स हैं. 5, 12, 13 यूनिट की साइड्स T2 ट्राइंगल की हैं. इसी तरह से ये तीनों तीसरे T3 ट्राइंगल की साइड है. तो T1, T2, T3 में से कौन सा किसका ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएगा, या आप ये कहें कि इन दो तीनों में से कौन से दो आपस में रिलेटेड होंगे बाई दिस रिलेशन. तो सोल्यूशन में आए, पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. एलिमेंट लेना है हमें आर में. लेट टी बिलोंग इन ए सेट का एक एलिमेंट लेना है, प्राइमरी लेना है. एज वी नो दैट टी इज सिमिलर टू टी, कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होगा. ये सिमिलर की क्राइटेरिया है वो खुद के साथ पूरी होगी. तीनों एंगल उसके इक्वल होंगे, सेम ट्राइंगल है. ये साइड्स भी इक्वल होंगी तीनों. तो कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है. सो यही रिलेशन में होने की क्राइटेरिया टी थ्री बिलोंग इन आर. और ये सारे ट्राइंगल्स की डेट टू होगी दैट इज टी थ्री बिलोंग इन आर फॉर ऑल टी बिलोंग इन ए. सो आर इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्री में है तो दो एलिमेंट ले लें. आर्बिट्री एलिमेंट लेट टी वन टी टू बिलोंग इन ए. नाउ टी वन ऑर्डर पे टी वन टी टू बिलोंग इन आर लेके चलते हैं. हमें शो करना होगा टी टू टी वन आर में है. तो T1 T2 belong in R, R की डिफिनेशन से T1 is similar to T2. And as you know that if T1 is similar to T2, then T2 is also similar to T1. Or T2 similar to T1 implies T2, T1 belong in R. तो T2, T1 R में हो जाएगा अगर पेयर. That is T1, T2 belong in R implies T2, T1 belong in R. और ये for all T1, T2 belong in A. ये सारे ट्राइंगल्स के लिए हैं. तो यही कंडीशन सिमेट्री की. सो R इज सिमेट्रिक. चलिए ट्रांसिटिविटी पढ़ाते हैं. तो इसमें आप तीन एलिमेंट लें ट्रांसिटिविटी में T1, T2, T3.
नेट T1, T2, T3 बिलोंगिंग है, ये अलग अलग एक एलिमेंट होगी। जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आर में होंगे। अब आपको प्री कंडीशन क्या रखनी है, T1 T2 बिलोंगिंग आर एंड T2 T3 बिलोंगिंग आर, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाए कि पहले का लास्ट वाला ट्राएंगल और दूसरे का फर्स्ट वाला ट्राएंगल सेम हो। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज T1 T2 बिलोंग इन आर मींस T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग इन आर इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू T3। अब देखें अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो यहां से आपको मिलेगा T1 इज सिमिलर टू T3 और इसका मतलब हुआ T1 T3 बिलोंग इन आर, दैट इज T1 जो कंडीशन है ट्रांसिटिविटी की, डिफिनेशन है वो बेसिक डिफिनेशन लिख दें एंड T2 T3 बिलोंग इन आर इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग इन आर फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग इन इट, सो आर इज ट्रांसिटिव। फिर आगे लैंग्वेज लिखें, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें देखें एक और पार्ट पूछा है, तीन ट्राइंगल्स की साइड्स दी हुई हैं, तो तीनों साइड दी हैं हर ट्राइंगल की, तो T1, T2 और T3 में से कौन से रिलेटेड होंगे रिलेशन आर से, देखिए जो सिमिलर बनाए। एक्चुअल में ये दोनों राइट एंगल की, तीनों राइट ट्राइंगल्स की साइड्स हैं क्योंकि 90 डिग्री है। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं, ये भी ये भी ये भी तो है, तो राइट ट्राइंगल। लेकिन एक एंगल से काम नहीं चलेगा सिमिलरिटी के लिए, दो एंगल चाहिए, दूसरा आसानी से नहीं मिलेगा। तो अब यस 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 सिमिलरिटी चेक करें, T1 की साइड्स हैं, T3 की साइड्स हैं, इनमें दोनों में अगर देखें साइड्स का रेशियो 1/2 आ रहा, ठीक है, बाय यस 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 सिमिलरिटी T1 इज सिमिलर टू T3, दैट इज T1 T3 बिलोंग इन आर, और यू कैन से दैट T1 इज रिलेटेड टू T3 बाय द रिलेशन आर। अब ये सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन अगर यहां रिलेशन थोड़ा सा इसी सेट में रिलेशन चेंज कर देता, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा, वो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम पेपर में दिया हुआ है, उसको आप खुद से करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यल विद सेट ऑफ लाइंस ऑन द प्लेन xy प्लेन में, यानी किसी एक प्लेन में लाइंस का सेट है यल, और रिलेशन डिफाइन किया है L1 L2 बिलोंगिंग आर सब दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उनका ऑर्डर पेयर आर में आएगा, दिस सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, डिफाइन दिस सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y = 2x + 4, इसके पैरेलल लाइंस के फिर हमें सेट भी निकालने हैं। तो आइए सॉल्यूशन में पहले सिमेट्री चेक कर लेते हैं, सिमेट्री की सॉरी पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक एलिमेंट से एल का चाहिए, एक आर्बिट्री एलिमेंट स्मॉल एल ले लेते हैं, बिलोंगिंग चेक कर ले ना, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, L is parallel to L implies L belonging R. That is, ये किसी भी लाइन के लिए ट्रू होगा, L belonging R for all L belonging, सेट यहाँ एक जगह L लिया है,
सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री पर आए, दो एलिमेंट सेट एल में लें, लेट एल वन एल टू बिलोंग एल, नाउ एल वन ऑर्डर पेयर एल वन एल टू बिलोंग इन आर इंप्लाइज एल वन एल टू ऑर्डर पेयर आर में है, दिस मीन्स एल वन इज पैरेलल टू एल टू, एंड एज वी नो दैट इफ एल वन इज पैरेलल टू एल टू देन एल टू इज ऑल्सो पैरेलल टू एल वन, एल टू इज पैरेलल टू एल वन एंड सो एल टू एल वन ऑर्डर पेयर एल टू एल वन बिलोंग इन आर, दैट इज एल वन एल टू बिलोंग इन आर इम्प्लाइज एल टू एल वन बिलोंग, और एल वन एल टू आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे फॉर ऑल एल वन एल टू बिलोंग इन में, तो ये सभी एल वन एल टू के लिए ट्रू होगी, सो आर इज सिमेट्रिक। कॉन्स्टिट्यूटिव देखें, तीन एलिमेंट सेट में लें, लेट एल वन एल टू एल थ्री बिलोंगिंग सेट एल, सेट एल में तीन एलिमेंट ले लिया हमने। अब देखते हैं जो प्री कंडीशन कॉन्स्टिट्यूटिव थी वो लिखिए, एल वन एल टू बिलोंग इन आर एंड एल टू एल थ्री बिलोंग इन आर, दिस एम्प्लाइज दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू एंड एल टू एल थ्री बिलोंग इन आर इम्प्लाइज एल टू इज पैरेलल टू एल। अब आप जानते हैं कि टू लाइंस पैरेलल टू सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, दैट इज सपोज ये लाइन एल वन हो, एल वन एल टू पैरेलल हो, एल टू के पैरेलल एल थ्री हो, तो एल वन और एल थ्री भी म्यूचुअली पैरेलल होंगी, सो दिस इम्प्लाइज एल वन पैरेलल टू एल थ्री एंड एल वन एल थ्री बिलोंग, दैट इज एल वन एल टू बिलोंग इन आर एंड एल टू एल थ्री बिलोंग इन आर इम्प्लाइज एल वन एल थ्री बिलोंग इन आर फॉर ऑल एल वन एल टू एल थ्री बिलोंग इन ए, सो आर इज एन इक्विवेलेंस, सो आर इज ट्रांसिटिव, अरे ट्रांसिटिव बोले, फिर सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर, बाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर के पैरेलल लाइंस हमें बतानी है, एज यू नो दैट क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आप जानते हैं इलेवन में पढ़े हैं, बी लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉन्स्टेंट चेंज हो जाता है, क्या होता है कॉन्स्टेंट चेंज हो जाता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस कोई अगर कॉन्स्टेंट लेंगे आप रख सकते हैं, सो बी लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल टू जो लाइन दिया है टू एक्स प्लस फोर इस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस कांस्टेंट बदल दें सी रख दें लैम्डा रख दें, लैम्डा रख देता हूं वेयर लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।
अब इसी तरह से अगर इसी सेट में, सेम सेट में यानी ट्राइंगल्स के सेट में आपको रिलेशन दे दे एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, उसको आपको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है दूसरी वाली पहले के पैरेलल होगी, और सिमिलरली वो ट्रांजिटिव नहीं होगा तो उसको आप सॉल्व करें। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे या सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें।